सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं नोट्स ऑफ माइनर फाइला रोटिफेरा के ऊपर, जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड थी उसके लिए। तो अब मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ उस वॉइस में शायद उन्होंने वीडियो मेरी देखी होगी, प्रीवियस वीडियो। लेकिन अब मैं थोड़ी आवाज़ को क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। बिकॉज फास्ट फॉरवर्ड करने से क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है स्टूडेंट का, तो इसलिए सो दैट्स व्हाई। तो आर जैसे कि उन्होंने डिमांड किया कोटपाल से उठाना है, तो ये उसी कोटपाल से, आरएल कोटपाल से लिया गया है। ठीक है, तो चलो पहले मैं नोट्स दिखा देता हूँ, तो इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और फिर हम माइन्यूट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो पहले तो ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आराम से आप, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और फाइलम में उसी बुक में मिला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फाइलम ब्रायोजोआ और एक्टोप्रोक्टा, ओके, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। Oh,
अब इसका जल्दी जल्दी हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन सॉरी हम थोड़ा सा ब्रीफली जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन कर लेते, बिकॉज मेरे को भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और इंस्टेंटली मैंने खुद इसको ढूंढ कर ये वीडियो बना रहा हूँ. तो देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी. तो रोटिफेरा इंक्लूडिंग अबाउट 1800 स्पीशीज ऑफ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक बायलेटेरियल सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड एक्वाटिक एनिमल. ओके, और व्हील एनिमल्स नाम से ये जाने जाते हैं कॉमनली. ठीक है, व्हील्स एनिमल क्यूल्स, बिकॉज आप देख सकते हो ये कोरोना लाइक स्ट्रक्चर, इसके माउथ के सराउंडिंग ये असिलेटेड स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो कोरोना जैसे कि कोरोना वायरस भी है तो उसका नाम भी इसी बेस के ऊपर है, क्योंकि कोरोना क्या होता है, एक ताज काइंड ऑफ ताज होता है. ठीक है, जो कि सर पे पहना जाता है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो इसमें भी सीलेटेड कोरोना टाइप स्ट्रक्चर, तो ये कोरोना है. ठीक है, यहाँ पे मेंशनड भी किया हुआ है. ठीक है, तो ये होता है इसमें. आगे देखते हैं ब्रीफली, और ये डायग्राम आप देख लेना. ठीक है, और हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो हम ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर वाले होते हैं. ठीक है, और सम आर सेसाइल, कुछ सेसाइल होते हैं और लिव इन क्यूटिकल ट्यूब, क्यूटिकुलर ट्यूब उसमें भी रह सकते हैं, और कुछ है वो कॉलोनी में रहते हैं. ठीक है, और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं ग्रेन्यूलर और स्मॉलेस्ट मेटाजोन होते हैं इसमें, और 0.1 से 1 mm के लेंथ के होते हैं. ठीक है, और कंपोस्ट ऑफ 1000 सेल, 1000 सेल्स के. ठीक है, और उसमें वेरिएशन होती है शेप में भी वेरिएबल, जैसे कि फ्लोर लाइक होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं. ठीक है, ग्लोबुलर ग्रेन्युलर. ठीक है, और बॉडी उसकी प्लेन होती है. ठीक है, और डिवाइडेड इंटू हेड, ट्रंक, टेल और फुट, नेक में सेपरेट होती है. ठीक है, तो आगे देख लेते हैं. तो इसमें मेंशन किया हुआ है कोरोना, जो कि हमने पीछे देखा, और ट्रोकियल डिस्क, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और बक्कल फील्ड. ठीक है, और तो डायग्राम में आप ये बक्कल फील्ड देख सकते हो. ठीक है, तो आगे क्या होता है, जो कोरोना होते हैं उसमें दो रिंग होती है. ठीक है, दो रिंग बैंड और सर्कुलेट ऑफ सीलिया की दो रिंग काइंड ऑफ होती है. तो उसमें एक तो है आउटर पोस्टीरियर बैंड, जिसे सिंगुलम बोलते हैं. ठीक है, और दूसरी है इनर और एंटीरियर पार्ट की तरफ. एंटीरियर मतलब एंटीरियर इस तरफ होता है और पोस्टीरियर इस तरफ, आपको पता है आपको. ठीक है, तो ये इंटीरियर ट्रोकस है. ठीक है, और हेड बियर ए सेंट्रल माउथ होता है, पेयर ऑफ आइज एंड अदर सेंसरी प्रोजेक्शन, द हेड कैन बी पल्ड इनसाइड द ट्रंक. ठीक है, तो ये आप कोरोना के काइंड ऑफ कोरोना का एक डायग्राम देख सकते हो, जिसमें सीलिएटेड है उसमें, और सेंस ऑर्गन है. ठीक है, तो जैसे कि टेक्टाइल स्टाइल्स, एपिकल सेंस ऑर्गन, टेक्टाइल पेपिला, असिलिएटेड पिट. ठीक है, और कोरोनल मैट्रिक्स आप देख सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है नीचे जो है अटैचमेंट के लिए, इसमें जैसे कि फुट है, फुट के जो एडहेसिव ऑर्गन होता है, फुट्स एंड इन फुट्स के एंड के पार्ट की तरफ एडहेसिव ऑर्गन होता है, जिसमें पेडल सीमेंट ग्लैंड्स होती है. ठीक है, जो कि सीक्रेट करता है कंपाउंड्स को, जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, अटैचमेंट फॉर फीडिंग के लिए भी हो सकता है वो, और क्रीपिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए काइंड ऑफ. ठीक है, तो बॉडी वाल की देखें तो इंटेग्यूमेंट और क्यूटिकल और एपिडर्मिस की लेयर और सब एपिडर्मल मसल्स, जिसमें क्या है लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं. दीज मसल फाइबर आर नॉट अरेंज्ड इनटू डिस्टिंक्ट लेयर, बट आप सभी को पता है इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में, मसल्स के कंस्ट्रक्शन में ये सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, जैसे कि लीच में आपने जोंक, जो कि लीच में आपने लोकोमोशन देखा होगा अगर, तो अर्थवॉर्म में लोकोमोशन लीच में, तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यूजफुल है इनका. ठीक है, तो
आगे देख लेते हैं, बॉडी कैविटी स्यूडोशियल होती है, ठीक है, और स्यूडोशियल होती है, एम्बोबायोटिक सेल होती है जिसमें, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। और लोकोमोशन में हम देख लेते हैं, जैसे कि लोकोमोशन में हमने पहले भी मेंशन किया, जैसे कि, ठीक है, और क्राउलिंग, क्राउलिंग में हमने देखा फुट है, फुट एंड पे हमने एसोसिएट ग्लैंड, वो जो ऊपर देखी है, एडहेसिव ग्लैंड, ग्लैंड्स, सॉरी, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो देखा हमने, क्रीवलिंग उस उसकी, और स्विमिंग से भी एक दूसरा पार्ट है, स्विमिंग से भी है, ठीक है, लोकोमोशन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मेंशन है लीच लाइक, ठीक है, तो लीच लाइक क्रीवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो माउथ है, माउथ से नीचे अगर जाएंगे तो फेरिंग्स की पार्ट में, जो कि लोंगेट पार्ट होता है उसकी, उसे वो उस उसके जैसे ही हम लोग ऑर्गन होता है, लेकिन उसे मास्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, मास्टेक्स बोलते हैं। और फेलक्रम होता है जिसमें होते हैं रामी, UNCI एंड मेन्यूब्रिया, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है वो नीचे, अगर इलेंगेट होके नीचे ओपन होती है, किसमें, ओइसोफेगस में, ठीक है, जो कि आगे स्टोमच है उसमें इलोंगेट होता है, स्टोमच में, ठीक है। तो स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ऑब्वियसली, और जो अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो वो अपना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगी, और सिक्रेट करेगी तो ऑब्वियसली ये होने होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ केविटी, स्टोमच के केविटी के अंदर, नहीं कि सेल के अंदर ये डाइजेशन होगा फूड का, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा इसमें, ठीक है। और थिन वॉल्ड सिंक्शियल एंड स्ट्रेंथ इंटेस्टाइन इज समटाइम सीलिएटेड, तो इंटेस्टाइन सीलिएटेड होती है अंदर से, ठीक है। पोस्टीरियर क्लोएका रिसीव द गट प्रोटोनेफ्रिडिया एंड ओविडक्ट, ठीक है। और तो अगर न्यूट्रिशन या फिर फीडिंग के बारे में बात करें तो जो सीलिया होगी ऑब्वियसली, तो वो उसमें बीटिंग होगी, बीटिंग होने से उसमें मूवमेंट होगी, ठीक है। तो मूवमेंट होने से जो कि है वाटर है वो टुवार्ड द माउथ की तरफ वाटर करंट आएगा, उसके साथ फूड पार्टिकल्स आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो दे वाटर कैरी प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड एल्गी इनटू द माउथ, एल्गी प्रोटोजोन ये सब फूड फूड पार्टिकल होते हैं उससे, तो वो अंदर आएंगे, ठीक है। द प्रीडेटरी रोटिफर शूट आउट दियर आर्म्ड मास्टेक्स टू कैच द प्रे, जो फेरिंग्स के जैसा होता है मास्टेक्स, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है वो, ठीक है। और डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन सिंस टीएम ऑफ स्टोमच, तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर तो हमने बात कर ली, स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस होगा, तो और अगर इंट्रा सेलुलर होगा तो उसमें जैसे कि आपने देखा होगा कोइनोसाइट्स जैसी कोई सेल होंगी, जिसमें से जिस सेल में वो इंटर होंगे फूड पार्टिकल, और वो लाइसोसोम के द्वारा, उसके एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट होकर, उसका अब्जॉर्प्शन होकर एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज लिमिटेड होता है, और जो लिपिड एंड जो प्रोटीन है उनका बहुत ही वेरी रैपिड डाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं, तो इसमें प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब है वो पार्टिसिपेट लेती है, जिसके टर्मिनल पे होता है फ्लेम बल्ब, फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया ड्रेन इनटू क्लोएका बाय वे ऑफ कॉमन डक्ट यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। और प्रोटोनेफ्रिडिया सिस्टम वाटर रेगुलेटिंग डिवाइस होता है, जो कि साल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करता है ऑफ स्यूडोसियोल, ठीक है। रोटिफेरा इजीली टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम देख लेते हैं, तो इसमें बाइलोब्ड ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि आगे अराइज, ओके, गिव अराइज मतलब आगे देता है क्या, दो दो यानी कि एक पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेंट्रोलेटरल नर्व ट्रंक, ठीक है, नर्व ट्रंक, तो जो कि उससे के साथ गैंग्लिया भी है वो कनेक्ट रहती है नर्व ट्रंक के साथ, ठीक
ठीक है। और दूसरा क्या है कि क्लियर पहला है इसमें क्लियर सेपरेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर एलिमेंट। सेंसरी एंड मोटर एलिमेंट आप सभी को पता होगा, जैसे कि आपने मैं ह्यूमन का ही एग्जांपल लेके अगर आपको बताता हूँ, तो जैसे कि ये पैर है, ठीक है, ये पैर है और आगे ये जा रहा है, मान लो यहाँ पे नर्व है बहुत सारी, ठीक है, तो ये आगे नर्व बहुत सारी कनेक्ट होके ये मान लो माइंड तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक कांटा चुभा किसी के, तो कांटा चुभा, तो ये कांटा चुभा है पैर के, तो ये संदेश ले जाएगी सेंसरी मोटर्स जो नर्व्स है वो, और माइंड से जो रिएक्शन क्या करना है पैर को हटाना है, ठीक है, तो वो जो है भेजेगा संदेश कि पैर को हटाना है, तो वो वापस से आएगा संदेश मोटरी ऑर्गन से, मोटरी, तो सेंसरी और मोटरी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेंसरी और मोटरी के लिए सेपरेशन होता है उसमें, और एग्जिबिशन ऑफ फिनोमेनम ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सेल कॉल्ड यूटेली। ब्रेन सेल एंड नर्व सेल आर कॉन्स्टेंट इन नंबर एंड पोजिशन, ब्रेन सेल एंड नर्व सेल कॉन्स्टेंट इन नंबर, ओके। तो सेंसरी ऑर्गन जो कि हमने ऊपर डायग्राम में मेंशन किया था, तो उसके बारे में भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन में जैसे कि फोटो रिसेप्टिव आइस, सेरिब्रल आइस, कोरोनल आइस और लेटरल आइस, ठीक है। और कीमो रिसेप्टिव है, जैसे कीमो रिसेप्टिव है सीलिएटेड पिट्स, जो कि ऊपर डायग्राम में देखा था, फिर से दिखा दूंगा मैं, सीलिएटेड पिट्स, टेक्टाइल एंटीना एंड स्टिफ ब्रिस्टल स्टाइल। तो मैं वो डायग्राम दिखा देता हूँ, तो ये वो डायग्राम था, हमने पहले भी देखा था, सीलिएटेड पिट्स, टेक्टाइल और टेक्टाइल एपिकल सेंस ऑर्गन, तो ये सब थे, ठीक है। सो नेक्स्ट साइक्लोमोर्फोसिस। साइक्लोमोर्फोसिस जो समय के साथ इन्वायरमेंट के साथ जो परिवर्तन होता है, फिनोटिपिक जो चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में होते हैं, जैसे कि रोटिफेरा फिनोटाइप्स कैन बी इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड, इन्वायरमेंटली कंट्रोल हो सकता है फिनोटाइप रोटिफेरा का। तो द फॉर्म ऑफ एमिक्टिक फीमेल ग्रेजुअली चेंज, एमिक्टिक फीमेल ग्रेजुअली चेंज ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, ए प्रोसेस कॉल्ड साइक्लोमोर्फोसिस। और रिप्रोडक्टन सिस्टम देख लेते हैं, तो मेल एंड फीमेल मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है, और मेल आर जनरली स्मॉल एंड डिजनरेट। तो इससे हम सोच सकते हैं, तो डिजनरेट है इसका मतलब, आगे मैं एक आपको बताऊंगा कि जो है फीमेल है वो पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब आगे आएगा तो मैं, पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो पार्थेनोजेनेसिस मतलब काइंड ऑफ एसेक्सुअल होता है वो, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट नीड ऑफ स्पर्म, तो वो एग है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वो होता है पार्थेनोजेनेसिस, तो बिकॉज ऑफ सम मेल्स आर डीजनरेटेड, तो इस कारण ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो दे लैक द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। रोटीफेरा के बारे में बात करें, तो दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू डेज। रोटीफेरा प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म, सीलिएटेड स्पर्म एंड रॉड शेप्ड स्पर्म, तो दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इनमें, ठीक है। तो रॉड शेप्ड स्पर्म प्रोबेबली हेल्प टू पियर्स द क्यूटिकल ऑफ फीमेल इंटेग्यूमेंट, कीरोसेफ पेनिस, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आ जाएगा, तो फीमेल ओवरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, जर्मेरियम एंड विटेलेरियम, योग प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है जो कि, ठीक है, और जर्मेरियम ओवरी प्रॉपर होती है वो, और विटेलेरियम वो योग प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, ठीक है। और कुछ में जो विटेलेरियम है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, और जो कि कुछ फीमेल होती है, जैसे कि एमिक्टिक फीमेल पीछे हमने बात की, तो वो फीमेल प्रोड्यूस करती है पार्थेनोजेनेसिस द्वारा, तो हमने पीछे अभी पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर जिक्र किया था, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन है टाइप ऑफ एसेक्सुअल, ठीक है। तो यही होता है, तो साथ ही डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक स्पायरल और
डिटर्मिनेट, ठीक है, तो होलोबायस्टिक स्पायरल डिटर्मिनेट क्लीवेज के टाइप है इसमें, और इन मोस्ट रोटिफेरा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, हाउएवर अटैच्ड रोटिफेरा प्रोड्यूस ए फ्री स्वीमिंग लार्वा, तो लार्वा प्रोड्यूस होता है अटैच हुआ हो तो किसी रोटिफेरा में, सम रोटिफेरा में, और फाइलोजेनेटिकली रोटिफेरा आर फाउंड टू बी क्लोजली रिलेटेड विथ फाइलम अकेंथो शिफेला। सो लास्ट पॉइंट हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें थ्री क्लासेस है रोटिफेरा में। पहली क्लास है सीसोनिडा डिया, जो कि मेराइन होता है और लिविंग ऑन गिल्स सरफेस ऑफ क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया के गिल सरफेस पे ये रहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए ये काइंड ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। बॉडी इलोंगेटेड विथ ए लॉन्ग नेक, जो ट्रॉफी एज फोरसिप्स स्मॉल कोरोना, जो ऊपर हमने सिलिएटेड स्ट्रक्चर देखी वो स्मॉल कोरोना पेयर्ड गोनाड्स विदाउट विटेलेरिया मेल प्रेजेंट, मेल प्रेजेंट होता है इसमें, तो ये शॉर्ट नोट्स है एक प्रकार से। तो सेशन इसका एग्जांपल है, सेशोनिडिया क्लास का, ठीक है। तो दूसरी क्लास है इसमें मोनोगोनो गोनोन्टा, मोनोगोनोन्टा स्विमिंग और सेसाइल, इसमें ये स्विमिंग लोकोमोशन को दर्शा रहे और सेसाइल हैबिटेट है इसका, मेल विथ टेस्टिस, इसमें मेल में टेस्टिस होती है ऑर्गन सेक्स ऑर्गन, फीमेल विथ वन ओवरी और जर्मो विटेलेरियम, एग्जांपल है इसका कोनोचिलियस हेक्सार्थ्रिया, ऐसे ही एग्जांपल, ठीक है, आप देख लेना। और तीसरी क्लास है इसकी बडेलोइडिया डायगोनोन्टा, है ना, तो इसमें स्विमिंग और क्रीपिंग फॉर्म दोनों है इसमें लोकोमोशन का टाइप, ठीक है, और विथ रिट्रेक्टेबल एंटीरियर एंड मास्टेक्स अडेप्ट फॉर ग्रिंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब काइंड ऑफ पीस ना किसी, जैसे कि फूड पार्टिकल को बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना, ग्राइंडिंग एंड कंटेनिंग वन पेयर ऑफ दी टीथ, ठीक है। मेल्स अब्सेंट होते हैं इसमें, मेल अब्सेंट होते हैं, ठीक है, फीमेल विथ टू ओवरीज और जर्मोविटेलेरिया, एग्जाम्पल इसके फिलोडिनिया फिलोडिना रोशेल रोशियलो एंड रोटेरिया इम्बेटा। स्टूडेंट्स कैसे अजीब अजीब से नाम है ना, तो आपको भी अगर इनके नाम पसंद नहीं आए हैं तो कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। इतना ही था इस वाली वीडियो में, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, और बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, और तो कुछ भी मत करो, चाहे आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बस इतना ही था।